दिखाती हूँ कि हमारे घर में मतलब हमारे मेहमान आए थे बनबसा से, मौसी और उनके लड़के आए थे, मतलब मेरे हस्बैंड के मौसी और उनके लड़के हमारे देवर आए थे, उनके साथ आप लोगों की भी मुलाकात कराती हूँ मैं, हम लोगों ने कैसे टाइम स्पेंड किया और आप लोगों को भी नए नए लोगों को देखने का मौका मिलेगा। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कल का वीडियो है फ्रेंड्स। कल सुबह 10 बजे तक पहुंच गई थी मौसी हमारे घर। वैसे परसों आ गई थी ये यहाँ पिथौरागढ़, और थोड़ा देर हो गई है ना आए हुए हमारे घर में भी। ये देखे मौसी बैठी हैं और मौसी आई बातचीत चल रही अपन है आ गो, हमारी। तू सालन में आ जा, बक आ जा, थोड़ा जोरेल बोल भाई। 10 बार साल में ना, बहुत साल में आए हैं, अब जाएंगे 2-3 जगह रिश्तेदारों के, वहां वाले चलाए पे मजीर गाना। इसी बीच पकाना भी हो रहा था मेरा। उस समय वो बैठे थी वहाँ पर, तो लगभग पक ही गया था मेरा खाना। मतलब रोटियाँ ही बनाई हमने, क्योंकि ये ज़्यादातर रोटियाँ ही खाती हैं, बहुत कम खाती हैं चावल। आलू वगैरह भी नहीं लेती हैं क्योंकि शुगर है इनको भी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा परहेज़ करते हैं। मतलब चारों भाई बहनों को है इनके शुगर की प्रॉब्लम। आजकल बहुत लोगों को हो जाती है फ्रेंड्स शुगर की प्रॉब्लम एक एज के बाद। इनको भी फिर तो बुढ़ापे में ही अब शुरू आ हुई रही है हवा ठंडी दिक्कत। ना यहाँ, अब बहुत साल हो गए इन लोगों को। सबसे लास्ट में मेरी सास को ही जो हुआ, सबसे सबसे बड़ी है जबकि। तली तो कमरान में तो बहुत गर्म हो रही है, तो नहीं जाना वाला क्या कर डाण भो। बहनों में ये सबसे छोटी है, मतलब भाई बहनों में ये सबसे बड़ी तो मेरी सास हुई, फिर मामा हुए, फिर उसके बाद ये दो बहनें हुई। वैसे तो ये चार बहनें थी, जो सबसे छोटी वाली मौसी थी वो तो पहले ही मतलब एक्सपायर हो गई थी, बिल्कुल यंग एज में। बच्चे हैं उनके, उन लोगों से हो जाती है कभी कभी मुलाकात या कभी फ़ोन में भी बात हो जाती है। ये देखिए ये दोनों फ़ोन कर रहे हैं, इनके बच्चों का आया होगा फ़ोन, मतलब जो मेरी ननद और जेठ-जी लोग का आया होगा, और इनका भी बहुओं का आया होगा, मतलब बहू बेटे और नाती नतीनों का आया होगा। ये छोटे वाले बेटे हैं आई सबसे हैं। बीच वाली जो बहू थी आई थी, वो भी आप लोगों से मैंने मुलाकात करा रखी थी पहले पिछले वीडियोस में, जो साथ में आए हैं देवर। मैं बता रही थी ये सबसे छोटे वाले बेटे हैं इनके, नवीन है इनका नाम। ये देखे ये शाम को मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और देवर भी आ गए थे हमारे। ये जो मेरी सास के बगल में बैठे हैं वो हैं बनवसा वाले, और हम लोग सब छत में बैठे हैं तो तरबूज खा रहे थे। भी मेरे हस्बैंड ने काट के दिया सबको तरबूज, फिर अपना भी खा रहे हैं। ये शाम के समय थोड़ा ठंडी हवा चल रही थी फ्रेंड्स, नहीं तो दिन में यहाँ भी बहुत गर्म हो रहा है। तो शाम के समय फिर थोड़ा जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता जाता है, ज़्यादा ज़्यादा ठंडी हवा आती जाती है तो सही लगता है फिर छत में। नहीं तो अंदर तो कमरे में तो गर्म ही होता है दिन भर। यहाँ भी बहुत गर्म हो रहा है। मैं बोल तो रही थी आप लोगों से कि एक हफ्ते से बारिश नहीं होने की वजह से, आज बारिश तो होके ऊपर तो थे खैर ठंडा हो आसमान जाता मालूम है। ने। और ये आज सुबह का है वीडियो। फिर आज सुबह ये चले गए थे, और रिश्तेदार भी बहुत है इनके इधर उधर जाने के लिए, अब एक एक करके जाएंगे उनके वहाँ। परसों आ गए थे तो परसों ये हमारी ननद यार रूम लगती हैं, में जो दूसरी वाली यार रूम मौसी भी की है, लड़की, उनके वहाँ रुके थे। फिर सुबह उनके ही हस्बैंड ने छोड़ दिया था हमारे घर में, बता रही थी मैं। ये देवर तो हमारे शाम को आए थे। फिर देखिए मैं से जाने की तैयारी होने लग गई है इनकी। बढ़िया बेटे के देर ना हो, मिनट मिनट में दीदी मिनट में बहन गाड़ी मल्ला स्टेशन छोड़ दिया क्या ना, उठे ऊपर छोड़ देना भली उठे हैं वो कर लाला, फिर वहां उन्होंने आ ही जाला।
ये आमा भी देख रही है अपनी बहन को जाती हुए, और कुछ सामान भी लाए थे हमारे लिए बनबसा से, जो इनके घर में भी होता है। देखिए ये अमखुट्टे कहते हैं हमारे वहाँ, आम के जो पीस होते हैं उनको सुखा के बनाते हैं। इनके अमचूर भी बनता है, मतलब जो पाउडर होता है खटाई पाउडर, और वो चावल का आटा था। और ये कुछ आम भी लाए हैं, देखिए फैंस ये खाने वाले हैं आम ये पक्के, और साथ में कटहल कटहल भी लाए हैं, और जगह के लिए भी लाए होंगे ये सामान, तो साथ में मिठाई भी लाए थे, तो बहुत चीज़ लाए थे अपने वहाँ की चीज़ें। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।